알지. 밥벌이 머신 머신. 모델 WFT80190R720 Fuzzy Logic. 이것은 air drive, inlet temperature, water, wash, rinse, spin, delay, programming, start or power. 이것은 2 inlet pipe 라가는 게 지금 यहां पर आपको लगाना है. यहां पर लिखा हुआ है कोल्ड और हॉट. आपको कोल्ड पे लगाना है. पहले कपड़े डाल लेंगे. इसमें कपड़े डालने हैं 10 से 12. और इसमें डालना है पाउडर 2 चम्मच. पावर दबाना है आपको तो ये सारे डिस्प्ले ऐसे चलो जाएंगे. पावर कंट्रोल बोर्ड ठीक है. स्टार्ट अगर करते हो तो इस तरह से कपड़े को सेंस करने के बाद एक टाइमिंग दिखाएगा. तो वाटर लेवल ऑटोमेटिक खुद में खुद इसमें फुल पे लिया है. मशीन से पानी लेगा देख सकते हैं. और ये मशीन 49 मिनट तक चलेगा. और जितना पानी का प्रेशर कम है उतना ही टाइम लेगा. अगर पानी का प्रेशर बहुत कम है तो आपका ये 45 मिनट का जो साइकिल है ये 2-2.5 घंटा भी ले सकता है. अगर पानी का प्रेशर बेहतर है तो 49 मिनट से आपका कपड़े धो के मशीन ऑटोमेटिक रुक जाएगा ठीक है. और ये कोल्ड जब तक ब्लिंक करता रहेगा तब तक पानी लेगा मशीन. ये पहला दूसरी बात है ये एयर ड्राई प्रोग्रामिंग. अगर आपने कपड़े धोए अगर आपके घर पे सुखाने के लिए जगह नहीं है तो आपको इसमें भी सुखा सकते हैं. 30 मिनट टब ड्राई 30 मिनट का है. ड्राई 60 मिनट का है प्रोग्राम. ड्राई प्लस 90 मिनट का सुपर ड्राई 2 घंटे का साइकिल है. अगर आपको कपड़े सुखाने हैं धोने के बाद तो आपको पावर दबाना है. पावर दबाना है एयर ड्रायर दबाना है. टाइमिंग चूज करना है 30 मिनट 60 मिनट 90 मिनट 2 घंटे. अगर आपको स्टार्ट करना है तो खाली कपड़े सूखेंगे मशीन में धुलेंगे नहीं. एक देख सकते हैं इनलेट टेम्परेचर लिखा है इसमें. इसमें 3 ऑप्शंस है कोल्ड वार्म और हॉट. अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो इसमें 2 इनलेट वाल लगे हैं. आपके घर में ग्रीजर है तो एक आपको ग्रीजर में भी कनेक्ट करना है और कोल्ड वाटर में भी कनेक्ट रखना ही है आपको. तो दोनों इनलेट वॉल से पानी लेगा. गर्म पानी भी लेगा और ठंडा पानी भी लेगा. और ग्रीजर से सिर्फ फर्स्ट टाइम पानी लेगा सेकंड टाइम पानी नहीं लेगा. तो दोनों इनलेट वॉल ओपन हो जाएंगे आपके तो दोनों से पानी लेगा मशीन. फर्स्ट टाइम ओनली फर्स्ट टाइम आपको स्टार्ट करना है तो ये सेंस करेगा ऑटोमेटिक. टाइमिंग कुछ चूज करेगा तो ये सेंस कर रहा है मशीन. सेंस किया 49 मिनट और फुल वाटर. पावर दबाना है हॉट में. सिर्फ हॉट से ही पानी लिया जाएगा फर्स्ट टाइम. ये हॉट इनलेट है. कोल्ड से फर्स्ट टाइम पानी नहीं लेगा सिर्फ हॉट से लेगा. अगर ग्रीजर है आपके घर पे तो ग्रीजर लगाना है आपको. तो फर्स्ट टाइम खाली हॉट ही पानी लेगा. ग्रीजर के थ्रू आपको स्टार्ट करना है. इसमें भी सेंस करेगा.
सेंस हो चुका है वाटर लेवल फुल 49 मिनट्स। फर्स्ट टाइम हॉट से ही मशीन पानी लेगा और सेकंड टाइम रिंस में कोल्ड से पानी लेगा। तो आपको दोनों को कनेक्ट करना है। अगर आपको खाली वॉश करना है, तो पावर दबाइए, वॉश का बटन चूज कीजिए और स्टार्ट दबाइए। खाली वॉश ही होगा, इसमें रिंस और स्पिन नहीं होगा। उसी तरह पावर दबाना है। अगर आपको रिंस चाहिए एक टाइम चाहिए या दो टाइम चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको दबाना पड़ेगा। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। तो इसमें खाली 19 मिनट का साइकिल है, ओनली रिंस। और इसको स्पिन करना है, पावर दबाओ, स्पिन बटन दबाओ, स्टार्ट करो। तो ये खाली स्पिन होगा, जो भी कपड़े गीले रहेंगे तो सूख के निचोड़ के आ जाएगा। अगर आपके घर में पानी का दिक्कत है, ये डिले टाइम लेना है। अगर आपको पता है सुबह 5 बजे आता है, तो उसके हिसाब से आपको मशीन चालू करके टाइमिंग सेट करना है। तो इसके हिसाब से सेट करने के बाद आपको स्टार्ट करना है। तो 4 घंटे के बाद ही मशीन स्टार्ट हो गए, तब तक ये रुका रहेगा मशीन। देख सकते हैं डिले टाइमिंग स्टार्ट ब्लिंक कर रहा है। 4 घंटे के बाद ही मशीन चालू होगी, तब तक कुछ नहीं करे गए। प्रोग्राम का बटन, ठीक है, यहाँ पे 8 प्रोग्रामिंग है। आपको जो प्रोग्रामिंग चाहिए, जेंटल में ऑटोमेटिक टाइमिंग चूज हो चुका है 37, और पानी का भी लेवल चूज कर दिया है। क्विक वॉश 19 मिनट, स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा, स्मार्ट रिंस भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा, साइलेंट भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा, फेवरेट भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट करेगा। सब क्लीन 2 घंटे का साइकिल है, स्टार्ट करना है। तो उस तरह से मशीन आपका चालू हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।